भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा पंचायत भवन सभागार में संगीत बैठक का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रखने के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम संगीत बैठक के रूप में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथक नृत्यिका श्रीमती अंकिता बिंद्रा ने बरेली से आकर मंच पर भव्य प्रस्तुति व विद्यार्थियों को नृत्य की बारीकियों से अवगत कराकर कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया। समारोह का आरंभ प्राचार्य दीपेंद्र कांत जी ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाली सिंह धर्मपत्नी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरोहा रही, समाज सेविका मानुषी रस्तोगी रही। मैं संगीता सिक्का, इंचार्ज सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र मुरादाबाद। मैं ये सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र क्लासिकल इंडियन म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं हम लोग। तो ये संगीत बैठक नाम का प्रोग्राम है, जिसमें हम प्रतिवर्ष किसी ना किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाते हैं, ताकि वो बच्चे उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें और कुछ सीख सकें। तो आज के प्रोग्राम में हमने बरेली से अंकिता बिंद्रा जी को बुलाया है। आपके सामने हैं अंकिता बिंद्रा जी, जो बच्चों को संगीत कथक नृत्य की बारे में बताने आए हैं। आप बताइए मैम कुछ। इस डिजिटल दौर लोग क्लासिक की तरफ ज्यादा जाएंगे या फिर टॉकिंग साइड जो गाने होते हैं उसमें ज्यादा जा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके का रुझान देखती हैं आप? नहीं, हम कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया में, अभी भी छोटे शहरों में भी हम क्लासिकल की तरफ पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों को भेजते हैं। मैं खुद बरेली में अपनी संस्था चलाती हूँ, तो उसमें बहुत बहुत ही मतलब पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि नहीं, हमें क्लासिकल ही सिखाना है अपने बच्चों को। देखिए, क्लासिकल तो बेसिक है, बेस है। जो बच्चा क्लासिकल कर सकता है वो कोई भी फॉर्म, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो फोक हो, वो तो कर ही सकता है। तो क्लासिकल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मैं दाद देती हूँ ये संगीत दर्शन सतयुग दर्शन संगीत कला का केंद्र का, कि ये अपनी क्लासिकल, अपनी हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कांत, प्राचार्य सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। सर, कितने साल से आपकी संस्था जो है इस क्षेत्र में कार्यरत? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा जो सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र है, विगत 20 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 20 संगीत कला केंद्र हमारे ऑल ओवर इंडिया में कार्यरत हैं। सभी संगीत कला केंद्र प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज यानी इलाहाबाद से एफिलेटेड हैं। और हम बच्चों को शास्त्रीय संगीत की जितनी भी विधाएं हैं, लाइक गायन है, वादन है, नृत्य है, इन विधाओं में पारंगत करते हैं। हमारे बच्चे शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन, नृत्य के अतिरिक्त जो मानवीय गुण हैं उनसे भी हम उनको परिचित कराते हैं, उनका भी ज्ञान देते हैं साथ साथ। क्योंकि संगीत की शिक्षा तो काफ़ी जगह दी जा रही है, लेकिन बच्चों को सच में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज के जो युग चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है, और इस युग में हम देख रहे हैं कि इतना प्रेशर है लोगों के माइंड में कि वो ना चाहकर भी इधर उधर से भटक जाता है। जो अपना जो उसका विशेष गुण जो ईश्वर ने देकर भेजा है, तो हम कहीं ना कहीं अपने राह से भटक कर गलत काम की ओर जाते हैं। तो उसका एक केंद्र यानी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने एक कदम उठाया और फरीदाबाद में एक आध्यात्मिक स्कूल बनाया, जो वर्ल्ड का यानी विश्व का पहला स्कूल है, संभाव समदृष्टि का स्कूल। वहाँ से बच्चों को मानवीय गुणों से, वहाँ पर कोई एज आयु ग्रुप नहीं है कि किसी विशेष वर्ग का ही व्यक्ति आएगा या किसी विशेष आयु का ही व्यक्ति आ जाएगा जिसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आ सकता है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर अपने जीवन में अपना कर वो खुद तो अच्छा इंसान बन ही सकता है, साथ ही जिसके संपर्क में भी आएगा वो, क्योंकि जो मेरे पास है मैं वही बांटूंगा। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान वहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चे, तो नो डाउट बच्चे अपना सुनहरा भविष्य बनाते हैं। और एक सुनहरे भविष्य के साथ साथ अच्छा समाज बने, ये देश और ऊंचाइयों पर पहुँचे, तो उसके लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट कार्यरत है भिन्न भिन्न माध्यमों से। ये तो मैं संगीत की बात कर रहा था। इसके अतिरिक्त हमारा प्रतिवर्ष एक ओलंपियाड आयोजित होता है 15 मिनट का,
जो क्लास 5th से लेकर 12th तक और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे सब लोग इसमें भाग लेते हैं। इस बार हमारा 9th एडिशन था इसका और लगभग आपको जानकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होगा कि इसमें 80 लाख लोग अभी तक भाग ले चुके हैं 9 वर्ष में, तो अपने आप में ये एक गौरव का विषय है। तो उसमें भी सब मानवीय गुणों से संबंधित ही प्रश्न आते हैं कि जैसे हम झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, वो उन गुणों के विषय में छोटा सा एक प्रश्न होता है और बच्चे उससे करते करते, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो जब अभ्यास करते हैं बच्चे बार बार उस परीक्षा को देते हैं तो एक दिन तो वो नेक बन ही जाएंगे।